हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेंट वर्षा डॉट कॉम। मैं हूँ अर्शांतिनी और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो आप इसका प्रीमिक्स बना के रख सकते हो और आपको जब टाइम ना मिले, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है ये समझ में ना आए, तब इसका प्रीमिक्स आप ले सकते हो और फटाफट 5 मिनट में आपका ब्रेकफास्ट रेडी हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। ये प्रीमिक्स मैं बनाने जा रही हूँ, इसमें बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है ओट्स। ओट्स आप रोल ओट्स यूज कर सकते हो या आप क्विकर ओट्स भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप ओट्स। इसे मैं रोस्ट कर लूंगी। रोस्ट करने से ये क्रंची हो जाते हैं और ये एक अरोमेटिक हो जाते हैं, इसका एक बहुत अच्छा स्मेल आता है। इसे हल्का ब्राउन होने तक आप रोस्ट कीजिए। देखिए, ओट्स ब्राउन हो चुके हैं, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। फिर हम इसे एक बोल में निकालेंगे। इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ प्योर घी। इसमें मैं यूज कर रही हूँ थोड़ा सा डिंक। डिंक मतलब मराठी में इसे डिंक कहते हैं, हिंदी में खाने का गोंद। जैसे ये घी के कांटेक्ट में आ जाएगा ये फूल जाएगा। इसी में मैं यूज कर रही हूं 1 कप मखाने। मखाने को भी हम रोस्ट कर लेंगे। गैस को आप लो फ्लेम पे रखिए और इसे अच्छे से रोस्ट होने दीजिए क्रंची होने तक। इसी में यूज कर रही हूं मैं बादाम। मैंने यहाँ पे लगभग 15 बादाम लिया है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। आप और भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे वॉलनट है, पिस्ता है, किशमिश है, बहुत सारी चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो। सारे चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से यहाँ पे मैंने किशमिश का भी इस्तेमाल किया है, उसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। आपके पास जितने भी सीड्स रहेंगे आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा फ्लैक्स सीड्स में इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी चीजों में प्रोटीन भरपूर है। फिर गैस में बंद कर रही हूँ और सारी चीजों को हमें ठंडा करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए और इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में इसे भर के रखिए इस मिक्सचर को, और जब चाहिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक रेसिपी जो आप इंस्टेंटली बना सकते हो ये प्रीमिक्स से, और ये सिर्फ 2 से 3 मिनट में आपकी बन जाएगी। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट इन 2 to 3 मिनट्स आपका रेडी हो जाएगा अगर आपके पास ये प्रीमिक्स रेडी है तो। ये प्रीमिक्स भी बनाने के लिए हार्डली 8 to 5 मिनट्स। तो ये इंस्टेंट रेसिपी जो है ये है पॉरिज की। 1 कप यहाँ पे मैंने हॉट मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप मार्केट से म्यूसली लेके आते हो और कितना महंगा वो होता है, तो घर पे ही अगर आप ये प्रीमिक्स बनाओ, ये घर पे ही म्यूसली बनाओ तो कितना बढ़िया रहेगा। इसमें से मैं 2 स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल होंगे उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/2 एप्पल का इस्तेमाल किया है और थोड़े से प्रोमोग्रेनेट के दाने। देखिए, 5 मिनट्स के अंदर हमारी एक बढ़िया रेसिपी रेडी है जिसमें सारी चीजें हैं जो एक म्यूसली में होनी चाहिए। तो ये आप घर पे ही बना सकते हो, है ना आसान रेसिपी। जब चाहिए आप इसे ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में ले सकते हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन है एंड इट इज लेस देन 250 कैलोरीज। मैंने यहाँ पे कोई स्वीटनर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप स्वीटनर यूज करना ही चाहते हो तो 1 टीस्पून ऑफ हनी का इस्तेमाल आप कर सकते हो या आप स्टीविया का यूज कीजिए। बट ये एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिए, वेट लॉस में बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।